नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो प्रदेश में 46,500 पदों पर होने जा रही शिक्षक भर्ती में पदों का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लेवल वन के लिए 21,000, लेवल टू के लिए 25,500 और विशेष शिक्षा के लिए 4,500 पदों की स्वीकृति दी। उसके बाद से विवाद गहराने लगा। लेवल वन और टू दोनों के अभ्यर्थी पद बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। फरवरी 2022 में जब रीट लेवल टू की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया, उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 46,500 पदों पर नई भर्ती की घोषणा कर निराशा झेल रहे बेरोजगारों को थोड़ी राहत देने का काम किया था। इसके बाद सरकार की ओर से तुरंत ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा को अमल में लाते हुए 23 और 24 जुलाई को रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से करवाया गया। इसके बाद 29 सितंबर को परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। परिणाम जारी होने के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा की नोडल एजेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा तिथि 4 और 5 फरवरी करवाने का फैसला लेते हुए परीक्षा कार्यक्रम जारी किए। लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथि जारी करने के बाद सरकार की ओर से जब पद स्वीकृति की मंजूरी दी गई, उस समय लेवल वन के पदों की संख्या 15,000 से बढ़ाते हुए 21,000 करने का फैसला लिया गया। वहीं लेवल टू के पदों को 31,500 से घटाते हुए 25,500 करने का फैसला लिया गया। इसके बाद से ही विरोध देखने को मिल रहा है। बीएससीसी विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया गया है। 9,000 पद किस बात के रिक्त रखे हैं, ये सवाल खड़ा करते हैं लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी। और मैं राजस्थान सरकार से बीएससीसी संघर्ष समिति की ओर से मांग करता हूं कि लेवल फर्स्ट के 21,000 पदों से बढ़ाकर 30,000 पदों की घोषणा की जाए। जो 9,000 पद रिक्त रखे गए उनको भी भरा जाए। सरकार की ओर से लेवल वन में पदों की संख्या को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया है। लेकिन लेवल वन के अभ्यर्थियों ने एक नई मांग उठा दी। माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने कहा था कि नवंबर में होने वाले में ओबीसी का जो मसौदा है, जो गड़बड़ हुई थी ओबीसी के आरक्षण को लेकर, उनको भी सॉल्व किया जाएगा। तो मेरी सरकार से मांग है कि जब भी कैबिनेट होती है तो 6,000 पदों को जल्द से जल्द वापस डालकर और 31,500 पे लेवल टू की भर्ती की जाए, ताकि अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। वर्तमान में किस लेवल में कितने पद खाली चल रहे हैं, आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाते हैं। 4 और 5 फरवरी को आयोजित होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। 46,500 पदों पर आयोजित होने जा रही है शिक्षक भर्ती। लेवल वन पर 21,000, लेवल टू पर 25,500। शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार लेवल वन और लेवल टू के 57,400 पद खाली हैं। लेवल वन में 29,819 पद तो लेवल टू में 27,581 पद खाली चल रहे हैं। शिक्षक भर्ती के बाद लेवल वन के 8,819 पद खाली रहेंगे, तो वहीं शिक्षक भर्ती के बाद लेवल टू के 2,081 पद खाली रहेंगे। अब प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में स्वीकृत और रिक्त पदों की स्थिति को आंकड़ों के जरिए समझिए। अध्यापक लेवल प्रथम स्वीकृत पद 127,918, कार्यरत पद 107,068, खाली पद 20,237। अध्यापक लेवल टू स्वीकृत पद 61,479, कार्यरत पद 47,412, खाली पद 14,067। अध्यापक लेवल प्रथम स्वीकृत पद 44,125, कार्यरत पद 34,543, रिक्त पद 9,582। अध्यापक लेवल द्वितीय स्वीकृत पद 45,348, कार्यरत पद 31,834, खाली पद 13,514। साल 2013 से साल 2021 तक की अगर बात की जाए तो अब तक 4 बार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया है। पिछली 4 भर्ती परीक्षाओं में 1,05,000 पदों पर भर्ती का आयोजन किया गया, जिसमें लेवल वन पर 60,000 पदों पर भर्ती और लेवल टू के 45,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई। साल 2021 की भर्ती में लेवल वन के ही 15,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई, जबकि पेपर आउट होने के चलते लेवल टू के 15,000 पदों पर भर्ती को रद्द करने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया था। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियों का पिछले वर्षों का विवरण कुछ इस तरीके से।
साल 2013 में 20,000 पदों पर हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, लेवल वन के लिए 11,000 और लेवल टू के लिए 9,000। साल 2016 में 15,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हुए, लेवल वन के लिए 7,500 और लेवल टू के लिए 7,500। साल 2018 में 54,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हुई, लेवल वन के लिए 26,000 और लेवल टू के लिए 28,000। साल 2021 में 31,000 पदों पर हुई थी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, लेवल वन के लिए 15,500, लेवल टू के लिए 16,500 रद्द। साल 2022 में 46,500 पदों पर आयोजित होने जा रही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, लेवल वन के लिए 21,000, लेवल टू के लिए 25,500। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर।